गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ योगिता बोरा और आप सब लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं आई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है हमारा तीसरा दिन रिले बीच पे, जो है क्राबी में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं क्राबी टाउन। दो दिन हो गए हमको इस रिले बीच पे, जो एक आइलैंड में है, बहुत खूबसूरत छोटा सा आइलैंड है। और इस पे हम लोगों ने अपना रिजॉर्ट लिया हुआ था किराए पे। तो दो दिन यहाँ पे हमारे ख़त्म हो चुके हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं टाउन की ओर, क्राबी टाउन में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं बोट और समंदर के रास्ते निकलते हैं क्राबी की ओर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम पिछली बार क्राबी में इतना ज़्यादा नहीं घूमे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि इस बार पूरा क्राबी घूमा जाएगा और आपको भी दिखाया जाएगा, इसलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जो ये बोट है उसका किराया हम लोगों ने रिले बीच से क्राबी टाउन जाने तक का 100 बात पर पर्सन दिया था, क्योंकि हम लोग शेयरिंग बोट से गए थे। अगर आप लोग प्राइवेट करके जाते हैं तो आपको यहाँ पे 800 से 1000 बात तक पड़ जाएगा अगर आप प्राइवेट जा रहे हैं। और अगर आप लोग रात को जाते हैं तो यहाँ पे दुगना तिगना इस बोट का खर्चा हो जाता है, मतलब किराया हो जाता है। क्योंकि जिस दिन हम लोग रिले बीच आए थे तो हम लोग रात को ही आए थे, क्योंकि रात को यहाँ पे जो बोट हैं वो चलना बंद हो जाती हैं, इसीलिए अगर आप लोग बोट करते हैं तो यहाँ पे दुगना तिगना खर्चा आ जाता है बोट का। तो ध्यान रहे कि आप लोग, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्राबी और रिले, तो आप उजाले में ही निकल जाएँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्राबी टाउन और यहाँ से भी लोग कहीं और जा रहे हैं घूमने के लिए। और 5-10 मिनट का वॉक करते हुए हम लोग पहुँच गए आवनांग बीच पे, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मौसम भी अच्छा हो गया था, धूप, हल्की हल्की धूप थी, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर आप लोग बोट से कहीं और जा रहे तो कोशिश करना कि शॉर्ट्स पहन के जाएँ, तो नहीं तो पूरे कपड़े भीग जाएंगे आपके। मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे, तो इसलिए बोट से अगर आप सफ़र करें तो शॉर्ट्स पहन के निकले। तो ये है आवनांग बीच, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग आधा घंटा बीच पे बैठे रहे, क्योंकि जो हमारे होटल का चेक इन था वो 3 बजे होना था, तो यहाँ पे 12:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड करते कि चल एक काम करते हैं, तुम लोग इधर बैठे रहो बीच पे और मैं रेंट पर गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ। तो वो रेंट पर गाड़ी ले कर आए। तो ये वही है जिनसे हमने गाड़ी ली है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गाड़ी देने से पहले, तो वही चल रही है। और उसके बाद इस गाड़ी से हम लोग निकलते हैं पूरा क्राबी घूमने के लिए। और जब हम लोग पिछली बार आए थे तो इतना ज़्यादा, मतलब घूमे तो थे, इतना देखा नहीं था। तो चलते हैं गाड़ी से और पूरा क्राबी देखते हैं और आपको भी दिखाऊँगी, बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो चलिए, एक तरफ आवनांग बीच है और दूसरी तरफ सड़क, कितना प्यारा लग रहा है देखो। एक तरफ सड़क, दूसरी तरफ आवनांग बीच के किनारे किनारे हम लोग निकल गए घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था।
तो हम लोग घूम के आ चुके हैं, बहुत ही मस्त मस्त व्यू था रास्ते में। तो अब हमारा चेक इन टाइम भी हो चुका है होटल का, और अब चेक इन करते हैं। और चेक इन करने से पहले एक बार, उससे पहले हम लोग नीचे को चले गए थे घूमने के लिए आवनांग बीच की ओर। तो फिर से एक बार पूरी मार्केट घूम के आते हैं, फिर आएंगे, उसके बाद चेक इन करते हैं, फिर थोड़ा सा आराम करके फिर से हम लोग घूमने को निकल जाएंगे। और जो ये पेड़ थे ना, पाम ट्रीज, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे रोड के दोनों तरफ, तो मैंने कहा इसको भी सूट कर लेती हूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हम लोग आ चुके हैं नीचे से घूम के, और एक बार फिर से हम लोग आवनांग बीच के किनारे किनारे गए थे गाड़ी से। तो जब तक हम लोग वापस आए तब तक यहाँ पे मौसम ख़राब हो चुका था, जैसे आप देख सकते हैं आसमान में बहुत सारे काले काले बादल आ गए हैं। तो अब होटल में चेक इन करते हैं, हमारे होटल का नाम है हॉलीडे इन। यहाँ पे हमारा चेक इन हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं रूम की ओर, और रूम दिखाने के लिए आ रहे हैं हमको। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी उतनी देर में। और यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद निकलते हैं सीधे रूम में। तो हॉलीडे इन का रूम देखते ही मुझे सिंगापुर के हॉलीडे इन की याद आ गई थी, क्योंकि जब मैं पहली बार सिंगापुर गई थी तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या था कि 15 डेज़ का क्वारंटीन था, तो हम लोग 15 दिन हॉलीडे इन में ही रहे थे। तो मुझे आज फिर से याद आ गई हॉलीडे इन की। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा भी था वेलकम के लिए। तो यार रूम तो एक नंबर था, हॉलीडे इन के होते ही हैं यार रूम बहुत अच्छे ना। तो बहुत ही दोबारा से मुझे फिर से वो सब याद आ गया था हॉलीडे इन का। तो एक बार फिर से मेरी यादें ताज़ा होगी हॉलीडे इन की। बहुत ही मस्त रूम, बहुत 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 ज़्यादा। तो ये था बालकनी से बाहर का व्यू, और जैसे हम रूम पे पहुंचे तो बहुत तेज़ तेज़ बारिश होने लग गई थी। बहुत ही ज़्यादा मस्त यार। और उसके बाद यार आराम किसको करना था, हम लोग निकल गए फिर से घूमने के लिए, और दशी को छोड़ दिया हमने रूम पे, और अब हम लोग फिर से निकल गए उसी रोड से आगे जिससे हम दिन में घूम के आए थे। और ये था शाम का समय, और हम लोगों को थोड़ी सी मार्केट भी देखनी थी। पहले तो देखी थी, लेकिन इस बार उस टाइम पे हम लोगों ने रात को देखी थी, लेकिन इस बार हम लोग गए इवनिंग में। यार जब लाइटें जलती हैं ना शाम को, तो बड़ा मस्त आता है वीडियो में, जैसे आप देख सकते हैं लाइट के साथ जो वीडियोज़ आती हैं ना, वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो हम लोग चले गए आगे को, और यहाँ पे बारिश भी बंद हो चुकी थी। तो जैसे आप देख सकते हैं शाम का समय और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्योंकि रोड पे जो लाइट जल रही है ना, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है वो। तो हम लोग निकल गए, हमको देखना था फायर शो। तो डर इस बात का था कि यार आज बारिश हो रही है, हमको फायर शो दिखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोग करेंगे नहीं करेंगे फायर शो बारिश के दिन। तो हम लोग चले गए आगे को, तो लेट्स सी हमको मिलता है या नहीं मिलता है फायर शो देखने के लिए। तो हमने देखा कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे स्टार्टिंग ही हो रही थी फायर शो, जैसे आप देख सकते हैं। और जब हमने फायर शो देखा, ओ माय गॉड, मैंने तो इससे पहले कभी फायर शो देखा नहीं था, बहुत ही मज़ा आया। Wow.
फायर शो है वो आवनांग बीच पे होता है और अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग जगह में ये फायर शो होता है। और जिस मार्केट में अभी गए हैं वहाँ पे मुझे 9 बजे ये फायर शो देखने को मिला था। यही लोग और अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग जगह फायर शो करते हैं। नीचे नहीं गिरा, निशाना लग गया। बहुत भारी है ना, दर्शन नहीं कराया ना। और फायर शो देखने के बाद हम लोग आ गए थे अपना डिनर करने के लिए। अब हम लोग अपना डिनर करते हैं और आप लोगों को मिलूंगी मैं मॉर्निंग में। और यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग फूड ट्राई किया जो बहुत ही डिलीशियस था। The next day. Good morning everyone. तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। बोलो। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल की तरफ जो क्राबी से 70 किलोमीटर दूर है, यानी 70 किलोमीटर दूर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमिरल्ड पूल और नेचुरल ब्लू वाटर और थर्ड हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल। और यहाँ पे टिकट अडल्ट का था 200 और बच्चों का था 100। और तो हमने टिकट लिया और फिर हम लोग निकल गए हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना है हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल पहुँचने तक, 400 मीटर की वॉक है। और खूबसूरत नज़ारों के साथ चारों तरफ ग्रीनरी है और कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं, मैं भी पहली बार देख रही थी, और देखते हैं कैसा है हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल। तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल पहुँचने से पहले बहुत सारे पूल दिख जाते हैं आपको जो नेचुरल हैं। तो फाइनली हम जिसको देखने के लिए आए थे वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, और काफ़ी लोग हमसे पहले भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे होंगे 11 बजे, सुबह सुबह निकल आए थे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके। अगर आप पैकेज से आ रहे हैं तो इसकी फ़ी अलग हो सकती है, आप किसी लोकल सोर्स या वेबसाइट के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ये है हॉट स्प्रिंग वाटरफॉल, यहाँ पे पहले से ही लोग आए हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं। नीचे नेचुरल एकदम पूल बने हुए हैं अलग अलग, देखें।
इनको इन्जॉय करने देते हैं और मैं निकल गई एमरल्ड पूल की ओर, क्योंकि इन लोगों को नहीं आना था। तो मैं चलती हूँ देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मैप लगे हुए हैं, मैप के थ्रू आप इधर से उधर जा सकते हैं देख के। एंट्री गेट से यहाँ पहुँचने में 400 मीटर की वॉक थी और अब यहाँ से एमरल्ड पूल पहुँचने के लिए 600 मीटर की वॉक करनी है। तो चलते हैं वॉक करते हुए, और यहाँ पे बहुत सारे मैप लगे हुए हैं उनको देखते हुए मैं निकलती हूँ एमरल्ड पूल की ओर। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, तो चलते हैं उनको फॉलो करते हुए आगे को। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी यार, बहुत ही मस्त लग रहा था। और इसके अंदर फूड ले जाना अलाउड नहीं था, ड्रिंक्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं, और जो भी आपके पास फूड वगैरह है वो आपका गेट पे जमा हो जाता है। तो निकलते हैं आगे। शायद मैं पहुंचने वाली हूं, क्योंकि यहां पे दिख गया है मुझे एमरल्ड पूल इधर है, तो यहीं आसपास होना चाहिए। तो कुछ लोग दिख तो रहे हैं सामने, यही है। तो ये है एमरल्ड पूल जिसके लिए मैं आई थी। तो यहां पे बहुत सारे स्विमिंग कर रहे हैं नीचे, देखो बैठे हुए हैं। फटाफट इसको देखते हैं और उसके बाद निकलते हैं नेचुरल ब्लू पूल की तरफ, जिसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनसे ज़्यादा मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड थी, तो क्यों थी आपको पता चलेगा वीडियो देख के। तो अब मैं निकल चुकी हूं नेचुरल ब्लू पूल की तरफ। तो मैं पहुंच चुकी हूं ब्लू पूल के आसपास, और जैसे कुछ लोग वापस आ रहे थे मैं समझ गई थी कि आसपास ही है पूल। तो मैंने देखा कि वहां पे मेरे आने से पहले बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। तो फाइनली इंतज़ार ख़त्म, जिसके लिए मैं इतने दूर से आई थी। और जो ये पूल है वो अपने नेचुरल ब्लू कलर की वजह से फेमस है, बहुत सारे लोग विज़िट करते हैं यहाँ सिर्फ इसका जो नेचुरल कलर है वो देखने के लिए। बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसके अंदर जाना और स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, और मेरी तो देख के बोलती ही बंद हो गई थी इसको। और बहुत सारे लोग जैसे आप देख सकते हैं दूर दूर से इसके फ़ोटो और वीडियो वगैरह बना रहे हैं। बहुत ही मस्त लग रहा था यार, आपको पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा होगा, लेकिन गज़ब लग रहा था इसका कलर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से क्राबी, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई रास्ते का उसके बाद से थे। तो अब हम लोगों ने ले ली है रेंट पे स्कूटी, और जो हमने कार ली थी रेंट पे वो हमने दूसरे दिन वापस कर दी थी। तो अब हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं फिर से क्राबी घूमने के लिए, जहाँ हम कल घूम रहे थे उधर ही फिर से हम लोग बीच के किनारे किनारे चले गए। बहुत ही मस्त लग रहा था। तो कार से घूमने का मज़ा अलग है और स्कूटी से घूमने का मज़ा अलग है। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी फेस पे। और फिर हम लोग आगे KFC, दर्शिल को भूख लगी थी, दर्शिल को खिलाना था हमने बर्गर। और बाहर बहुत ही मस्त लग रहा था, इवनिंग हो चुकी थी और लोग घूम भी रहे थे जैसे आप देख सकते हैं। और क्राबी का मौसम सही भी है बैंकॉक से, बैंकॉक में गर्मी है और क्राबी में कम गर्मी है, लेकिन मस्त हो रहा था। जब हम स्कूटी से घूम रहे थे तो हमको ठंडा भी लग रहा था। जहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे हैं उसका नाम है आवनांग बीच, और एक तरफ बीच है दूसरी तरफ मार्केट है।
तो यहाँ पे काफी सारे लोग सनसेट होने का वेट कर रहे थे, काफी लोग आए हुए थे यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं, वीडियो वगैरह ले रहे हैं, और सनसेट ख़त्म होते ही यहाँ पे फायर शो स्टार्ट हो जाता है। इसी जगह में फायर शो होता है, कल हम लोगों ने इसी जगह में फायर शो देखा हुआ था। और पहले यहाँ पे सनसेट होता है और सनसेट होने के बाद ही वो लोग यहाँ पे फायर शो की तैयारी कर देते हैं। और यही जगह है, अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं क्राबी, अगर आप फायर शो देखना चाहते हैं तो यही वो जगह है जहाँ पे फायर शो होता है। और सनसेट देखने के बाद, मार्केट घूमने के बाद हम लोग चले गए डिनर करने के लिए। और जब तक हम लोग डिनर करने पहुँचे तब तक वहाँ पे बहुत ही मस्त बारिश हो रही थी और सामने लाइट म्यूज़िक चल रहा था। तो अब अपना डिनर करते हैं और उसके बाद निकलते हैं होटल को, क्योंकि अब कल हम लोग चले जाएंगे बैंकॉक और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्राबी को। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अब बैंकॉक की ओर, हॉलीडे इनको कर रहे हैं, बाय बाय। तो मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी एक नई व्लॉग के साथ।